अमित शाह ने बीदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। बोले 2.5 फीट ऊंचा झंडा लगाने पर यहां निजाम ने कत्लेआम किया था, ये दूर से नजर आएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। उन्होंने यहां के बीदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज का दिन मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही गोरता गांव के अंदर सैकड़ों लोगों को क्रूर निजाम की सेना ने सिर्फ 2.5 फुट का तिरंगा फहराने के लिए मौत के घाट उतार दिया था। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, उसी भूमि पर कोई न छुपाए इतना बड़ा 103 फुट ऊंचा तिरंगा फहराने का काम आज यहाँ पर हुआ। केस गरोटा गांव में एक निजाम ने सैकड़ों लोगों को इसलिए मार डाला था क्योंकि उन्होंने 2.5 फीट ऊंचा तिरंगा फहरा दिया था। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि इसी जमीन पर हमने 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है, जो किसी से छिपेगा नहीं। शाह ने गरोटा शहीद मेमोरियल का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि इसी जमीन पर उन अमर शहीदों के नाम स्मारक भी बनाया गया है। यहां बना सरदार पटेल का 20 फीट ऊंचा स्टैचू इस बात का प्रतीक रहेगा कि हैदराबाद के निजाम को हटाने में हमारे पहले गृह मंत्री ने कितनी अहम भूमिका निभाई थी, तब जाकर यह इलाका, यह बीदर भारत का हिस्सा बन पाया। गृह मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को अब तक दिया जा रहा आरक्षण संविधान के मुताबिक नहीं था। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार ने अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था। भाजपा ने इसे खत्म करके विक्का लीगा और लिंगायत समुदायों को दिया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।